का कॉल है। हाँ मम्मी। बेटा हम लोग एक घंटे में पहुंच जाएंगे, घर पे ही रहना ठीक है? हाँ मम्मी घर पे रहेंगे, आप टेंशन मत लो। मम्मी पापा पहुंच जाएंगे एक घंटे में। अच्छा फिर गाड़ी रख देते वापस? अबे पागल है, एक घंटे बाद आएंगे वो लोग, तब तक हम लोग घूम फिर के आराम से वापस भी आ जाएंगे। खाने का सामान लेके एक लंबी रास्ते से चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे, जिसमें हार्डली 30-40 मिनट्स लगेंगे, और हमारे पास एक घंटे का टाइम था, तो बस हम निकल पड़े और हम 5 मिनट में सुबह वहाँ के पहुँच भी गए। चलो पार्किंग तो खाली है कम से कम, जल्दी से सामान लेके निकलते हैं यहाँ से। तो हम स्टोर में घुसे और 15 मिनट में सब खरीद के बाहर भी आ गए। बट जैसे ही हम बाहर आए हमने देखा कि हमारे गाड़ी के दोनों साइड में एक गाड़ी चिपका के पार्क की हुई है। हाँ तो पार्किंग क्या तेरे बाप की? सालों ने गाड़ी इतनी चिपका के पार्क की थी ना कि दरवाजा खोलना इम्पॉसिबल था। अब बस एक ही रास्ता था भाई, ऐसे करते करते तो अगले जन्म तक जरूर पहुंच जाएंगे। तेरा ही आइडिया था ना, गाड़ी लेके घूमेंगे। अब जब तक धक्का लगा, हम कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक बंदा आता है पता नहीं कहाँ से, मैं कोई मदद करूँ, और हमारी मदद करने लग जाता है। वैसे बंदा काफी हट्टा कट्टा था तो उसकी मदद से गाड़ी इजीली निकल गई। अब ये सब करते करते ऑलरेडी एक घंटा पार हो चुका था और हम बहुत ज्यादा गुस्से में थे, फिर भी हम लोग थैंकफुल थे कि उस बंदे ने आके हमारी मदद की, नहीं तो हम पूरी रात इधर ही फंसे रहते। नाउ हियर द ट्विस्ट, हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जाने ही वाले थे कि तभी हमने नोटिस किया कि जो बंदा हमारी मदद कर रहा था वो उन गाड़ियों के पास जाता है और Субтитры сделал DimaTorzok